तो हाय, कैसे हैं आप सब? सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट लेकर आए हैं, और इस वीडियो में हम सिर्फ रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। और अभी जिन लोग के एग्ज़ाम चल रहे हों, या होने वाले हों, या हो गए हों, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले, आप अगर अगर आपको इस ये वीडियो एंड तक बहुत अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर आपको ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले, हाँ, कि हम ये फाइंड मतलब या फिर ये देखते हैं कि रिजोनेंस इफेक्ट क्या है, आखिर में रिजोनेंस इफेक्ट है क्या। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये हमने हाँ पढ़ा था कि जब कोई एक स्ट्रक्चर कोई भी कंपाउंड या कोई एलिमेंट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हम उसके कुछ पांच छह स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसमें से हम लोग सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर चूज करते हैं, और वही उसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर या रिजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, या फिर केक्यूल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आज हम उसी इफेक्ट को थोड़ा सा और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में सिर्फ रिजोनेंस इफेक्ट ही पढ़ने वाले हैं। तो आप निकाल लें कॉपी और पेन, और कॉपी के ऊपर हेडिंग डालें रिजोनेंस इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन, तो इसकी हमको डेफिनेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, पर अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं आपको कह रहा हूँ और आप इसको लिख सकते हैं। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन विद वन लुईस स्ट्रक्चर, इट रिक्वायर मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिजोनेंस एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो रिजोनेंस इफेक्ट में हमको मेनली चार टाइप की प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना है, या फिर उन टाइप की प्रॉब्लम को हमको मतलब उन टाइप के हमको क्वेश्चंस आगे प्रोसीड करने हैं। तो टाइप वन क्या है? तो टाइप वन है हमारा टू प्रिडिक्ट रिजोनेंस इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल, क्योंकि हम कोई मॉलिक्यूल के आगे के कितने स्ट्रक्चर्स होंगे वो हम तभी कह सकते हैं, या हम कमेंट कर सकते हैं जब हमको ये पता होगा कि वो मॉलिक्यूल रिजोनेंस इफेक्ट हम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये हो गया टाइप वन। हम फिर इसके बाद टाइप टू पढ़ने वाले हैं। ये एक तरह से मैंने इस टॉपिक को ऐसे अपने सोच के हिसाब से मैंने इसे डिवाइड करा है कि ऐसे इसका हो सकता है। तो टाइप टू क्या है? टाइप टू है टू ड्रॉ आर एस, मतलब टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, टाइप थ्री क्या होगा? टाइप थ्री है टू प्रिडिक्ट मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर एस, मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग एन, मतलब एन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हम पे ऑप्टेन हो जाएंगे, या हम जो हम बनाएंगे उसमें से सब सबसे स्टेबल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा होगा। टाइप फोर को मैंने चार पार्ट में मैंने उसको अच्छे से डिवाइड करा है। तो टाइप फोर है एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस इफेक्ट। इसको मैंने चार टाइप में मैंने इसको डिवाइड करा है। तो फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटाइन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कार्बो कैटाइन हेटरोलिटिक क्लीवेज से ऑब्टेन होता है। तो और सेकंड क्या है? टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। थर्ड है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये भी मैंने आपको ये सारे हम बताए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको अब इस वीडियो में इंक्लूड करने की सोची। और एसिडिक स्ट्रेंथ
एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे हमको कोई कमेंट करना हो कोई मॉलिक्यूल को देखकर, उसके कुछ ए इफेक्ट्स को देखकर, तो वो हम यहाँ पे इस ए इफेक्ट में कर पाएंगे। तो अब हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 एनसीईआरटी का 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग में हमने कार्बोनेट आयन का हमने RS बनाए थे, ओजोन बनाए थे, सल्फेट आयन बनाए थे। तो हम बनाते हैं जरा कार्बोनेट आयन के कुछ RS, CO3 2-। तो इसका फर्स्ट RS बनाया था हमने ऐसे, कार्बन ऑक्सीजन 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 यहाँ पर आया था हमने, एक नेगेटिव यहाँ पे, दो नेगेटिव, एक ये था। RS को हम लोग इस सिंबल से नोट करते हैं कि ये भी इसका RS होगा, यहाँ बनेगा वो भी इसका RS होगा। वो था एक ऐसे, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आ गया, और एक ऐसे हो गया, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। फिर एक और बन रहा था हमारा ओ नेगेटिव, ये और ये। अब कोई अगर बच्चा हमको ये वाला बना के दे या ये वाला बना के दे या ये वाला बना के दे, हम कोई भी इसमें से रॉन्ग तो कर ही सकते हैं। तो हमने एक चीज़ इसमें देखी कि ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ यहाँ आप यहाँ पे आ रहा है और कभी यहाँ आ रहा है, और ऐसे ये चार्ज कभी यहाँ घूम रहा है कभी यहाँ घूम रहा है। तो हमने इन इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ लिया और उसको हमने एक न्यू स्ट्रक्चर में उसको ट्रांसफॉर्म करा, और जिसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड इसका क्या होगा? इसका होगा कार्बन वन सिंगल बॉन्ड वन सिंगल बॉन्ड वन सिंगल बॉन्ड, दिस डॉट मतलब यहाँ पे बॉन्ड फ्लक्चुएट कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, और सब पे दिखा दिया हमने एक हाँ नेगेटिव चार्ज। ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड है कार्बन कार्बोनेट आयन की, सॉरी कार्बोनेट आयन की ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो ये रेजोनेंस है ये कंजुगेटेड सिस्टम ही शो करता है। तो अब हमको जरा थोड़ी सी होनी चाहिए नॉलेज की ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। अभी तो उन लोगों ने RS को पढ़ने में अभी हमने स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी तो ये उसकी जस्ट ABCD ही चल रही है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज कंजुगेटेड सिस्टम। ये क्या है कंजुगेटेड सिस्टम? अब देखो आपने बहुत जगह सुना होगा कि कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है वो जैसे कि एक के बाद एक ऑल्टरनेट, आप सुना होगा ना ऑल्टरनेट, या फिर कोई वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। ओके तो चलिए अब हम कंजुगेटेड सिस्टम को जरा अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट में कंजुगेटेड आखिर सिस्टम होता क्या है? तो कंजुगेटेड सिस्टम हम देखते हैं फर्स्ट क्या हो सकता है। जैसे कि मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट। तो एक बार हमने यहाँ लगा लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक बार लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्या है, एक बार आया बॉन्ड ऑफ नहीं आया फिर आ गया, तो ये क्या हुआ, एक के बाद एक मतलब एक छोड़ के एक। ऐसे नहीं होते कि आप बोलते हो कि मेरे दोस्त श्याम का घर एक घर छोड़ के है, या फिर एक घर के बाद जो घर आएगा वो श्याम का घर है, ऐसे ही ये बॉन्ड है और ऐसे ही ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंजुगेटेड डाइईन। क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड डाइईन। अब यहाँ पर डाई क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड आ गए और ईन मतलब कि डबल बॉन्ड। अब हम देखते हैं सेकंड, तो सेकंड है ये बन गया, एक मिनट, तो सेकंड कंजुगेटेड है ऐसा कुछ। अब यहाँ पे आएंगे इसके ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, थर्ड कौन सा होगा? तो थर्ड जो होगा वो ये होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर एक माइनस चार्ज, फोर्थ। अब फोर्थ जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बस इसका ही उल्टा हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है ना। फिफ्थ कौन सा हुआ? तो फिफ्थ हुआ ये गया ये गया ये गया ये गया ये। अब यहाँ पे आ जाएंगे लोन पेयर, ये आपके दो लोन पेयर। और सिक्स थोड़ा सा हाँ, टिपिकल और न्यू आपके लिए वो है ये, यहाँ पर एक का मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन, ये आपके डबल बॉन्ड। तो ये थे आपके कंजुगेटेड डाइईन।
तो आप जरा देखते हैं इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपको कहा जाए कि ये एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो आप क्या बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस बॉन्ड को यहाँ पे इस टर्मिनल पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो ये बॉन्ड है उसको आप इस टर्मिनल पे ट्रांसफर करेंगे। मतलब आप अगर रिजोनेंस इस साइड दिखा रहे हैं, मतलब कि इस साइड, तो आप सारे बॉन्ड इस साइड ट्रांसफर करेंगे। अगर दिखा रहे हैं अगर आप इस साइड, तो आप सारे बॉन्ड इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो अब क्या आएगा उसका, इसका आएगा ये ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ से आपने, यहाँ से उसने आपसे लिया, मतलब यहाँ से उसने आपको हाँ दिया, तो यहाँ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, और यहाँ पर मिल गया एक डबल बॉन्ड, क्यों है ना। हाँ ये थोड़ा सा अभी हाँ टिपिकल है, पर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं रीजनेंस की दो वीडियो बनाऊंगा, पार्ट वन पार्ट टू। तो पार्ट वन को मैं अभी बस कुछ देर में बंद करने वाला हूँ। तो ये सेकंड सेकंड ये ऐसे 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 ऐसे, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, क्या आएगा, ऐसे 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 ऐसे। सो दिस वॉज ऑल ऑफ योर फॉर पार्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।